फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, पोस्टर लॉन्च हो चुका है, बहुत जल्दी फिल्म भी रिलीज होने वाली है। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए द हाइस्ट क्या होने वाली है और क्या कुछ देखने मिलेगा। अच्छा डायरेक्टर अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं। या डेफिनेटली 19 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, प्लीज़ सिनेमाघरों में आइए और हमारी फिल्म देखिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। थ्रिलिंग सिनेमा है, एज ऑफ द सीट फिल्म बनाई है एंड उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। आप बताइए किस तरह का किरदार होने वाला है आपका एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म है and we all had a lot of fun with shooting this movie and all we want for all of you to come to cinema theaters on 19 July, that is this Friday. Please come, watch and give us all the love and blessings that you can. We need all your support. And the character that I'm playing, her name is Ananya Bakshi. She is a woman of her own thoughts, wisdom, power. She believes in herself, she knows what she wants, she's very clear in her head and she just wants to, you know, bring justice and make sure that the ones who are doing wrong get punished for the same. So I feel I had a great time doing this project and I really, really feel that you all will have a great time while watching it. So please, please, please come. Tell us about your experience and about the character. Experience was wonderful. I mean, I really enjoyed everything, every part of it. My character in the movie is Neil, a professional con artist. I get to play three different looks, so I'm very excited for you guys to see it. This is a movie made for you, made for the audience, with a dose of action, of adventure, of comedy, and a lot of suspense. It's a movie never seen before in Hindi cinema. It's very different from every other movie Bahut Alag Hai. So I invite everyone to come and enjoy it on the big screen as from the 19th of July, which is this Friday coming, and show us your love and support. Thank you so much everyone for coming. Thora action hai, bahut thora action, lekin zyada to mind work hai, zyada to cunningness, jo brain work hai, kaise heist karna without firing a bullet, without violence, but doing it in a stylish and mindful way. नहीं, ये पूरा नया प्लॉट है। इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली सब जगह से लेते ही है, लेकिन इसका उस फिल्म से कोई ये ताल्लुक नहीं है। फ्रेश स्टोरी है, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है और जैसे नायड ने कहा कि हर फिल्म में हाई स्कूल में यूजली एक्शन होता है, बहुत सारा ब्लडशेड होता है। हमारी फिल्म में ऐसा नहीं है, हम लोग हाइस कर रहे हैं लेकिन अपना दिमाग लगा के। सो आप थिएटर में आइए सब लोग और आपको पता चलेगा कि हाइस कैसे हम लोगों ने करने। और इस प्रोजेक्ट में बहुत फ्रेशनेस है, लाइक यू विल वॉच समथिंग जो कुछ नया है जो आपने पहले नहीं देखा है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अरे ये तो पहले भी देखा हुआ है। तो जो फ्रेशनेस है, जैसे कहा है उन्होंने, ओरिजिनल स्टोरी है, I think you all will have a lot of fun. इसमें सब कुछ है, इसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक्शन है, थोड़ा सा थ्रिल है, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, मसाला फिल्म। आपका फर्स्ट डेब्यू जस्ट लाइक एनी अदर एक्टर, मैंने भी अपने कैरेक्टर के ऊपर ही काम किया था। मैंने ऑडिशन किया, मुझे वो रोल मिला और उसके बाद में हम सब ने मिलकर टीम वर्क में, या सब स्क्रिप्ट रीडिंग या जो भी प्रेप मेरे कैरेक्टर के लिए ज़रूरी थी, हम सब ने वो किया। एंड स्पेशली थैंक्स टू माई डायरेक्टर एंड माई राइटर एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, दे ऑल मेड एवरीथिंग वेरी कम्फर्टेबल, जिसकी वजह से मुझे कैरेक्टर को एग्जीक्यूट करने में भी काफ़ी मदद मिली। सो ऑल थैंक्स टू माई टीम। फिल्म मॉरिशस में शूट हुई है, मॉरिशस अ ब्यूटीफुल प्लेस, हम लोगों ने हमको पता ही है। तो आप फिल्म में भी उसको एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव शॉट इन ब्यूटीफुल एक्सोटिक लोकेशंस ऑफ मॉरिशस एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आई मीन ही इज फ्रॉम मॉरिशस, ही विल टेल यू मोर अबाउट दैट। So we shot for the first time in locations never seen before in any Bollywood movie, in any Hindi movie. Actually, not in any movie. We've shot, for example, there's a scene where we have an underwater waterfall
that's the first time in the cinema world that we're showing this. So a lot of unique scenery that will delight the audience and will make you guys travel with us. वर्कशॉप किया हम लोगों ने सुमन का, सुमन के साथ, नायक के साथ और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनके साथ रीडिंग्स, वर्कशॉप, काफ़ी प्रिपरेशन की है और उसके बाद ही हम लोग सेट पे पहुंचे हैं और उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं पर्सनली दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी बहुत बहुत दिल से कि आप प्लीज़ आइए और ये मूवी देखिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने ये मूवी क्यों देखी। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी, सो जस्ट कम एंड जस्ट एंजॉय एंड गेट द एंटरटेनमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर। नहीं, ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो है क्योंकि हर बार ऐसा तो होता नहीं है कि बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ भी आपने देखा होगा क्लैशेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं अच्छी, फिर उसमें भले ही नई कास्ट हो, छोटी कास्ट हो, बड़ी कास्ट हो, लेकिन अगर कहानी अच्छी है, फिल्म अच्छी बनाई है तो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छी कहानी के साथ फिल्म बनाई है, तो ये लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इंस्पिरेशन तो खैर बहुत सारे डायरेक्टरों से लिया है मैंने, लेकिन ये संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों से अपोजिट है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है, मेरा अपना एक अलग विजन है, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है लेकिन इसमें मैंने अपना कुछ डालने की कोशिश की है और होपफुली वो पसंद आएगा सब। यस यस ऑफकोर्स, यस डेफिनेटली आई एम ओपन टू सच काइंड ऑफ फिल्म्स एंड आई लाइक ऑल्सो, बट दिस फिल्म पर्टिकुलरली इज नॉट अबाउट एक्शन एंड ऑल, दिस इज मोर अबाउट यू नो यूजिंग योर ब्रेन्स एंड कंडक्टिंग द हाइस्ट। बट या ऑफकोर्स अगर फ्यूचर में कभी ऐसी फिल्म करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा और चाहूँगा कि ये वो फिल्म भी लोगों को। Thank you. Thank you so much, everyone, and thank you for coming. Thank you. Thank you so much.